आज हम आपको लेकर आए हैं तिलक नगर। तिलक नगर में जेल रोड पे इस समय हम खड़े हैं और इनकी ना दिल्ली में 3 ब्रांचेस हैं। एक तो लहसुन का जो फ्लेवर आ रहा ना पहली बाइट में, मैं करूँ मजा आ गया खाने। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हज़रत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना पर। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम आपको लेकर आए हैं तिलक नगर। तिलक नगर में जेल रोड पे इस समय हम खड़े हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं ना भाई, यहाँ पे ना जो मेन्यू है ना बहुत बड़ा मेन्यू है, वेज नॉन वेज दोनों मिलेंगे। और इनकी ना दिल्ली में 3 ब्रांचेज हैं, तीनों की तीनों वेस्ट दिल्ली में है। खाना जो है ना बहुत भाई यम्मी है, बड़ी रिकमेंडेशन आ रखी थी। तो हम पहुँच गए जी तिलक नगर जेल रोड पे, कहाँ पे, सरदार जी रेस्टोरेंट पे, जो कि फेमस है अपने नॉन वेज और वेज फूड के लिए। बहुत बड़ा मेन्यू है, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, सीधा इनके ऑनर के पास चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ ग्लिम्स देखते हैं, अपना फूड टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जी ये हैं गौतम भैया, जो कि यहाँ के ऑनर हैं। भैया नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। और सर एक बार यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ पहले तो, क्या पड़ती है सर? सर ये जेल रोड अशोक नगर गेट पड़ता है, जस्ट सुखो कालिदास स्कूल के ऑपोजिट। और भैया अपनी इसके अलावा और कोई ब्रांच भी है? हाँ जी भैया, एक टेगोगढ़ लाल बत्ती के पास है और एक सितारपुर में अंतर की। अच्छा, सितारपुर में जो मेन रोड पे है। हाँ जी। और अपना टाइमिंग क्या रहती है भैया? ये 6 to 4 AM 6 to 4 AM मतलब सुबह 4 बजे तक। हाँ जी। ये सारे आउटलेट की है, ये सिर्फ यहाँ की है? यहाँ की, जेल रोड की है। और बाकी आउटलेट सितारपुर की और भैया वो टेगोर गार्डन वाली है, उसमें 2 बजे तक। अच्छा, उसमें 2 बजे तक है। और भैया मैंने सुना है कि आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हो, अब तो कितने किलोमीटर तक है? 10 किलोमीटर तक सर। 10 किलोमीटर तक, तो भैया आपको ना यहाँ पे फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, आप कुछ भी ऑर्डर मंगवाओ 10 किलोमीटर तक। भैया अपनी स्पेशलिटी किस चीज़ में? स्पेशलिटी भैया यहाँ पे ग्रेवी में लोग भुना मटन हो गया, मटन चिकन रारा हो गया, मटन रारा हो गया, ये सब स्पेशलिटी। और स्नैक्स में अगर लोगों वो भट्टी चिकन हो गया, पेशावरी टिक्का हो गया, भट्टी टिक्का हो गया, ये सब स्पेशलिटी। भैया स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल है? यस सर, स्विगी जोमेटो पे दोनों पे अवेलेबल है। तो भैया ऐसी कौन सी आइटम है जो आप चाहते हो कि हम यहाँ पे ट्राई करें और अपने व्यूअर्स को बताएं? भैया आप हमारे यहाँ पे भुना मटन ट्राई करके देखो, बटर चिकन ट्राई करके देखो, और स्नैक्स आइटम पेशावरी टिक्का, भट्टी टिक्का ट्राई करके देखो। चलो ये यहाँ की बेस्ट है। तो भाई ये थे यहाँ के ऑनर गौतम जी, जिनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। और अब सीधी जो अपनी आइटम है ना वो लगवाते हैं टेबल पे, टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। थैंक यू भैया। वेलकम भैया। तो जी इनकी किचन में हम पहुंच चुके हैं, आप शेफ साहब को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप शेफ साहब क्या बना रहे हैं ये बताइए पहले। बटर चिकन। ये जी ये बन रहा है यहाँ पर बटर चिकन। क्या क्या सामान डाल दिया जी इसमें? इसमें हमने डाला काजू का पेस्ट। अच्छा। और प्यूरी, देख सकते हो जी काजू का पेस्ट और प्यूरी डल चुकी है। मक्खन कौन सा है जी? ये मक्खन तो हमारे अमूल डलता है। अमूल का जी, अमूल का बटर डल गया जी इसमें। ये आ गई चिकन। लो जी क्रीम भी डल गई है, नींबू भी डल गया, बाकी सब जो डलना था डल चुका है, अब ये पकेगा जी। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ था ना तो इन्होंने बोला कि भाई हमारा भुना मीट ट्राई करो, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस है और सबसे ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे बनने जा रहा है जी भुना मीट। और ये आ गया इसमें चॉप किया हुआ मसाला। ये आ गई जी इसमें मटन की ना ग्रेवी। ये आ गया मटन, स्वाद अनुसार इसमें मसाले डाल दिए भैया ने। और ये आ गया जी इसमें बटर। ये आ गई जी ऊपर से क्रीम इसमें। और अब हमारा ना भुना हुआ मटन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेशल है ना वो बन के तैयार हो चुका है। तो जी टेबल पे ना आइटम्स हमारी लग चुकी है और आइटम्स इतनी बढ़िया लग रही है ना देखने में कि रुका नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं ना वो करने वाले इनका ये देखो चिकन मलाई टिक्का। एक बार ये देखो जी क्रीम देखो, क्या बढ़िया तरीके से क्रीम डाल रखी है, बटर ऊपर से डाला हुआ है भाई, हरा धनिया और टिक्के के पीसेस देखो, और साइज देखो क्या बात है। ये ट्राई करते हैं सबसे पहले। ऊपर
ऊपर जो क्रीम डाल रखी है ना और बटर डाल रखा है, मिक्सचर बहुत बढ़िया। दूसरी बात जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी है, टिक्के के पीसीज जो है ना उनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा साइज़ है। ओवरऑल अगर हम इस मलाई चिकन टिक्के की बात करें ना, परफेक्ट भाई, मलाई चिकन टिक्का ऐसे ही होना चाहिए जिसमें क्रीम भर के हो, बटर भर के हो और अच्छे से रोस्ट हुआ हो। दीपक की प्राइस की बात बता भाई। भाई अगर प्राइस की इसकी बात करें ना तो 330 रुपये का कॉस्ट करता है। और यार ये स्नैक्स में ना बहुत बढ़िया चीज़ है, 330 रुपये में आप लोग देखो कि दो बंदे तीन बंदे ना अच्छे से स्नैक्स इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप रुमाली रोटी यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बाकी मलाई टिक्के की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार आइटम है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई चीज़ है। तो इसको निपटा लिया, चलते हैं दूसरे आइटम पे। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम में ना, जो कि ये देखो जी, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, गैस करो ये क्या है। ये है जी इनका भट्टी चिकन टिक्का, और देख रहे हो सेमी ग्रेवी में प्रिपेयर्ड है, थोड़ा मसालेदार होता है। और इसकी जो ग्रेवी बनी हुई है ना भाई, वो बटर से बनी हुई है। अभी सबसे पहले ये ट्राई करते हैं आप, क्योंकि देख के ना रुका नहीं जा रहा जी, देखने में तो काफ़ी चटपटा लग रहा है ये। मैरिनेशन एक नंबर, मसालेदार, दूसरी बात थोड़ा सा अचारी इसमें फ्लेवर आ रहा है। जो चिकन है ना बहुत ज़्यादा जूसी है। ओवरऑल जो ये भट्टी चिकन टिक्का ना इनका भाई, एक नंबर मज़ेदार चीज़ है ये। ये आप स्नैक्स में इंजॉय कर सकते हो, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हो, शाम को अगर किसी और पर्पज़ से आ रहे हो अपने यारों दोस्तों के साथ तो उसमें भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन थोड़ा भैया स्पाइसी है, स्पाइसी है, थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा मसालेदार है, थोड़ा चटपटा है। जो इस तरह की चीज़ खाने का शौकीन है उनके लिए बेस्ट है। मैं इतनी चटपटी चीज़ इतना मसाले वाला नहीं खाता, मैं आपको बता दूँ। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें ना, ये भी कॉस्ट करता है 330 रुपये का। बट ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे मस्ट रही है, यहाँ पे आओ ये चीज़ ट्राई करो इनकी स्नैक्स में। आप स्नैक्स में लेना चाहते हो स्नैक्स में लो, ग्रेवी में लेना चाहते हो रोटी के साथ तो उसके साथ भी लो, जिसके भी साथ लोगे ना आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा ये उसके साथ। तो अभी आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि हमारे पास ग्रेवी में, ग्रेवी में ये देखो जी, ये इनका स्पेशल बटर चिकन, जो कि ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी सेल आउट है। शक्ल देख लो जी, ग्रेवी देख लो आप, प्रेजेंटेशन देखो यार कितनी बढ़िया, सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं है, क्रीम ऊपर धनिया, सिंपल तरीके से बनाई हुई चीज़ है। बाकी टेस्ट इसको देखते हैं कि कैसा है। थोड़ी सी जो बटर चिकन की ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी थिक है, स्वीटर साइड पे है। चिकन जो है वो बहुत अच्छे से इन्होंने रोस्ट कर रखा था, उसके बाद इसमें डाला था, तो चिकन में तो भाई बिल्कुल कमी नहीं है, ग्रेवी में भी कोई कमी नहीं है। बस बटर चिकन जो होता है ना वो स्वीट एंड सॉर साइड पे होता है, ये थोड़ा सा ना स्वीटर साइड पे जा रहा है। बट ये जो एक्सपीरियंस है ना बटर चिकन का, बहुत बढ़िया, क्रीमी फ्लेवर एक होता है वो है, थोड़ी सी थिक ग्रेवी है। तो जी ग्रेवी देखी आपने, जो कि ग्रेवी है ना काफ़ी मतलब ग्लॉसी है, काफ़ी फैबुलस है, खाने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एक अनएक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, बाकी खाने में काफ़ी टेस्टफुल और बढ़िया। दीपक प्राइस बता भाई इसका। इसका प्राइस जो है ना वो करता है 280 का कॉस्ट, क्वार्टर है। बटर चिकन खाने के बाद ना जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है ना, जो ये कहते हैं यहाँ पे क्लेम करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो है ना ये वाला मटन लोग पसंद करते हैं, ये जी इनका भुना मटन। और ये ग्रेवी देखो इसकी, थिक ग्रेवी, कोई इसमें ज़्यादा एड ऑन कुछ भी नहीं है, मसालों से बना हुआ सिर्फ। ये ट्राई करते हैं, लहसुन भी दिख रहा होगा, मतलब हर तरह की चीज़ें दिख रही हैं। भाई मटन खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जगह बहुत बढ़िया है, उनके लिए डिश ये बहुत बढ़िया है। एक तो लहसुन का जो फ्लेवर है ना पहली बाइट में, मैं करूँ मज़ा आ गया खा के। इस जो भुना मीट की बात करूँ ना, इसको स्पेशल पता क्या बनाता है, देखो एक तो इसकी सेमी ग्रेवी, दूसरी बात जो इसमें लहसुन डाल रखा है ना वो बिल्कुल बारीक लहसुन ही डाल रखा, उसका जो फ्लेवर आ रहा है ना ये डालने के बाद बहुत बढ़िया आ रहा है। मटन जो है ना काफ़ी अच्छे से गला हुआ है, मसाले भाई कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, नॉमिनल से मसाले हैं। और ऊपर जो इन्होंने बटर डाला था, थोड़ी सी क्रीम डाली थी ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ना एक फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत बढ़िया प्रोवाइड हो रहा है। तो ओवरऑल जो इनका भुना मीट का एक्सपीरियंस है ना मेरा, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो थिक ग्रेवी के साथ साथ जो चीज़ें इसमें इन्होंने डाली हुई हैं, अब पता नहीं उन्होंने बाकी चीज़ें क्या क्या डाली क्या क्या डाली, लेकिन खाने में काफ़ी फ्लेवरफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर इसके प्राइस की बात करें ना, ये 340 का कॉस्ट करता है, ये हाफ प्लेट है, हमने यहाँ पे हाफ प्लेट ही लिए जो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी मिलती है। तो भाई अगर ये सारी आइटमें आप लोगों ने खानी है ना तो आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, सरदार जी पे, जो कि जेल रोड में है। इसकी और भी ब्रांचेज है वेस्ट में, जैसे आप रजौरी जा सकते हो, टैगोर गार्डन जा सकते हो। सबसे बड़ी बात, सुबह 4 बजे अगर आप लोगों ने खाना है ना तो आप सुबह 4 बजे तक यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो, 4 बजे जो है ना वो भाई लास्ट टाइम है यहाँ पे, लेकिन वो इसी ब्रांच पे है और किसी ब्रांच पे नहीं है।
तो भाई ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना चाहती भैया? करना तो बाद में जो भी करना है, लेकिन उससे पहले आपके बंदे से मिलवाते हैं। इधर आओ भाई, ये हमारा छोटा भाई है, इसका अपना एक चैनल है भाई, इसके बारे में थोड़ा अपने आप बताऊंगा। बेसिकली मेरा एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, जो कि एक शॉर्ट फिल्म्स का चैनल है, एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं हम, मिक्स कंटेंट डालते हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। चैनल का नाम है द कस्टम क्रिएटर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो हमारे अपने जो चैनल हैं दोनों के, दीपक मारवा और यतिन जोन, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा प्यार आप यहाँ दिखा रहे हैं तो वैसा प्यार आप वहाँ पे भी दिखाइए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कुछ भाई? बस बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा काम कैसा लगता है, क्योंकि भैया के सपोर्ट से ही सब कुछ हो रहा है और हम इसके सपोर्ट से चल रहे हैं। कैमरे के पीछे ना दो बंदे होते हैं, एक होता है टोनी, वो आप लोग जानते होंगे, एक ये होता है साथ में लवी, एक हमारा बड़ा भाई होता है बॉबी, वो आज आया नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो से वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमें कमेंट कर कर भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इसकी आईडी खाना प्रदोष भाई दीपक यतिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।